गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले इस शिविर में आए हुए साधकों की ओर से हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री सतगुरुदेव जी को सम्मानित करने के लिए अवस्थी जी पुष्पमाला पहनाएंगे उनके सम्मान में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मैं सभी साधकों की ओर से आदरणीय गुरु जी को बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से बहुमूल्य क्षणों को निकालकर हम सभी का योग मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस शिविर के आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। जैसा कि आप सभी साधक जानते हैं, आदरणीय गुरु जी की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती है, स्वयं भी साधना में लीन रहते हैं। इसके अतिरिक्त साधकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत व भारत के बाहर के विभिन्न शहरों में यात्राएं भी करते हैं और उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सभी साधकों की ओर से उन्हें बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूं। यद्यपि आप सभी साधक प्रातः स्मरणीय गुरु जी के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। हमारे तत्वज्ञानी श्री गुरुदेव जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उनके बारे में परिचय दे पाना मेरी या किसी भी साधक की समर्थ में नहीं है। हम उनके व्यक्तित्व के उन्हीं पहलुओं को जान सकते हैं जिन पहलुओं को वो उजागर करते हैं व व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी साधक जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में योग की आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, उसी योग मार्ग पर चलकर और अपने आप को तपाकर पार ब्रह्म स्वरूप हमारे आदरणीय गुरुदेव योगी श्री आनंद जी आज हमारे समक्ष कल्याण हेतु विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर कई अन्य देशों में भी हमारे सतगुरु जी के योग से संबंधित वीडियोस देखे जाते हैं और इनकी पुस्तकें भी पढ़ी जाती हैं। ये पुस्तकें हिंदी इंग्लिश और अन्य भाषाओं में निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पूजनीय गुरु जी, आप अपने अनंत योग बल से भारत में और भारत के बाहर ढेरों साधकों के योग मार्ग प्रशस्त करके उनको आगे बढ़ा चुके हैं और आगे बढ़ा भी रहे हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी साधकों की ओर से सतगुरुदेव जी का अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए विनम्र प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विनम्रतापूर्वक दयालुतापूर्वक और सौम्यतापूर्वक इस योग शिविर के लिए अनुमति प्रदान की है और आज हमारे समक्ष कल्याण हेतु पधारे हुए हैं। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.